Hi guys, myself Sana. I hope you all are doing well and welcome back to my channel. Okay guys, तो ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ 27th of April को, क्योंकि तो मैंने अपने लेफ्ट ईयर में पियर्सिंग कराई हुई है. मैंने अपने राइट ईयर्स में नहीं कराई, मुझे सिर्फ एक साइड अपने कान में पियर्सिंग करानी थी, यानी मुझे सिर्फ एक साइड ही पसंद है और ये मैंने कुछ इस टाइप से कराई हुई है. तो मैं करेंटली भोपाल में हूँ, यानी मैं भोपाल में पढ़ रही हूँ. तो अगर आप भोपाल के रहने वाले हो और अगर नहीं भी हो तो ऑब्वियसली भोपाल में एक प्लेस है, शॉपिंग प्लेस, जिसका नाम है न्यू मार्केट. और न्यू मार्केट में मतलब जैसे दिल्ली में सरोजनी है, बॉम्बे में लोखंडवाला है, वैसे ही भोपाल में न्यू मार्केट है. तो वहीं पर मतलब ऑल अबाउट क्लॉथ, शूज, स्टफ, मतलब जो भी चीज़ तुम खरीदना चाहो ना, सब मिलता है वहाँ पे. तो वहाँ पे मैं एक गोल्ड ज्वेलरी शॉप पे गई थी और वहाँ से मैंने ये ईयर पियर्सिंग कराए. मैंने गन्स शॉट से नहीं कराए, मैंने डायरेक्ट पियर्सिंग कराए हैं, बिकॉज मुझे ज्वेलरी वाले ने यानी शॉप वाले ने मुझे रिकमेंड किया था कि अगर आप गन शॉट से कराते हो तो जो उसके होल हैं वो बड़े हो जाते हैं, और नॉर्मल कराओगे तो वो एक लिमिटेड स्पेस आपका लेता है. आई नो इसमें थोड़ा पेन बाद में ज़्यादा होता है, पहले नहीं होता है उस टाइम पे. तो मैंने अपने पेन रिलीविंग के लिए इसमें हल्दी और घी को गर्म करके आई थिंक 2 to 3 नाइट्स कंटिन्यू लगाया, और मॉर्निंग में कोल्ड वाटर को कान के ऊपर डाला और इसको ना रोटेट किया. अगर मैं रोटेट नहीं करती तो मेरे जो इयररिंग्स हैं वो जाम हो जाते हैं, जिसके में पेन होता है या वो रोटेट नहीं होते या मुझे चेंज करने में तकलीफ होती है. और मैंने ना ये सिल्वर से कराया, यानी सिल्वर इयररिंग्स है और ये स्टोन है साथ में. तो लेट्स सी, देखते हैं कि वो पियर्सिंग कैसे हुई थी, यानी मैंने उसका वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ था तो मैं आपको दिखाती हूँ. और जो न्यू मार्केट में गई थी जहाँ पे मैंने, यानी तो अगर आप भोपाल में रहते हो तो न्यू मार्केट की जो फर्स्ट लेन है यानी टॉप एंड टाउन वाली, वहाँ से अगर आप स्ट्रेट जाओगे तो उसके जस्ट पीछे साइड आपको जाना है. आप पीछे साइड से अगर बस से उतरते हो तो बिल्कुल जस्ट पीछे साइड में एक ज्वेलरी की शॉप है. आई डिडंट रिमेंबर द नेम ऑफ द ज्वेलरी शॉप. वहाँ पर ना बहुत सारी ज्वेलरी शॉप है, तो आप कहीं पर भी जाओगे तो आपके कान पियर्स हो जाएंगे आराम से. तो मैंने वहीं से कराया था और मुझे ये जो इयररिंग्स पड़े हैं ये 100 रुपीज़ के पड़े बिकॉज ऑफ पेयर, ये पेयर में आते हैं. और जो उसकी पियर्सिंग प्राइस था वो भी 100 था. अगर आप गन शॉट से लेते हो तो उसका पियर्सिंग प्राइस 150 होता है. ओके, सो लेट्स सी द वीडियो. ये जो अंकल हैं जो मेरे कान पियर्स कर रहे हैं, ये गोल्ड शॉप के ही अंकल हैं. इन्होंने बड़े ही प्यार से और बड़े ही आराम से मेरे ईयर्स पियर किए थे. सबसे पहले इन्होंने ऊपर वाला ईयर किया था एंड देन उसके बाद नीचे वाला किया था. आई नो एक्सप्रेशंस बहुत ज़्यादा गंदे हैं, बट स्टिल थोड़ा पेन तो होता ही है ना. अगर आपको पेन हो रहा है बाद में तो आप उसके बाद जैसे मैंने घी और हल्दी गरम करके लगाया था वो भी लगा सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं होता है और इससे आपके कान भी नहीं पकते हैं. You said never.